आप बताएंगे किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया? पहले योगी ने छलावा जाके धोखे से वोट ले लो, सभी खेती चढ़वाई लगी, सब बेरोजगार कर दो, वही सब आदमी हर तरह से दुखी है। उन्होंने तो खूब कराई अपने राज्य में, अब बाबा जी नहीं दे रहे हैं बिजली। हम लोगों को बदले की भावना से देखते हैं, पेटारा जिला में सबसे अधिक गाय मरी है। आप युवा क्या कर रहे हो? लोग कर रहे हैं वोट, ज्यादा से ज्यादा आए वोट करने, लेकिन वहाँ पे सपा का दबदबा है पूरा, जो बीजेपी से नंदीग्राम दो जगहों पे ये फाइट चल रहा है, कौन ज्यादा का चुनाव देखेंगे आप, तो ये सारे क्षेत्र ओबीसी बेस थे और जिसपे इनका कमजोर कब्जा था। पिछले बार 159 की बात हम करते हैं, 159 सीटें जो 140 सीटें बीजेपी ने जीत चुकी थी, और यहाँ से इसने 39 सीटें 59 सीटें बीजेपी तेल भी नहीं भर के तो रख सके। लेकिन एक चीज देखिए सोनिया जी, हर चुनाव में एक चीज होता है कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, और इस बार मुद्दा तो सबसे ज्यादा हिट कर रहा महिलाओं के बीच में, राजद्रोह के बीच में, कि ये कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर में चुनाव हो रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि प्रकाश जी जो कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है, यदि वो नहीं गलत है तो मैं गलत हो सकता हूँ। मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, प्रकाश जी कह रहे हैं गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, ग्राउंड पे आदमी है, ग्राउंड पे आदमी है प्रकाश जी। प्रकाश जी मैं ये कह रहा हूँ कौन जीते कौन हारे वो बात अलग है, लेकिन जो वोटिंग निकल के हो रही है वहां पे, आपको वोटिंग पहले दो फेजेस में हमने देखा 60 के ऊपर हुई जी। तो इस बार संडे है, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा हल्का हो जाए, देखिए तो यही चाहते हैं ज्यादा ज्यादा। पिछली बार भी कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, फर्स्ट फेज में मात्र -1% ही वोट परसेंट कम हुए हैं, और इस बार भी वोट परसेंट कम नहीं होंगे। वोट परसेंट ये जो बढ़ रहा है वो 2.5% फर्स्ट और सेकंड फेज के, यदि इलेक्शन कमीशन ने निकाली उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाएं इस बार वोट में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग। प्रकाश जी ग्राउंड में क्या कह रहे हैं? ग्राउंड में महिलाएं, आप अभी बात कर रहे थे महिलाओं से, अनुपमा आ रहा हूँ, सृष्टि आ रहा हूँ, प्रकाश।